नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला आपके भी फ़ोन में जब भी आप बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करते हैं तो उसमें कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है फ़ोन पे के अकाउंट में कि आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर नहीं हो पाता है, मतलब बैंक से लिंक नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ जो ये प्रॉब्लम क्यों आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये प्रोसेस करके बता देता हूँ पहले कि इसमें क्या जो प्रॉब्लम होता है जो अक्सर आपको फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको अपना जो फ़ोन पे अकाउंट है ये ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद वॉलेट पे जाना है और यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट या फिर कार्ड वगैरह ऐड करने की कोशिश करना है। तो कार्ड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं बहुत सारा। तो इन्हीं में से एक ऑप्शन दिखता है ऐड UPI का, ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट है जो कि इशू आ रहा है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल से लिंक नहीं है। इसमें क्या प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, जो कि आपका लिंक नहीं होता है तो आपको ये अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप अपने नियर बाय बैंक अकाउंट में बैंक में जा कर के ब्रांच, जो आपका ब्रांच होगा बैंक का, उसमें जा कर के आप बताएंगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक कर देना है। तो जैसे ही लिंक करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, और दोबारा से आप लॉगिन करेंगे मतलब बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। और आई होप कि ये जानकारी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।